हे मम्माज एंड डैडाज, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गर्मियों में आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ आपके बच्चों की स्किन के लिए, जो आपके बच्चों की स्किन के कलर को बहुत अच्छा बनाएगा। 2 से 3 शेड तक वाइट बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। खेल खेल के बच्चों का या धूप में या पसीने से स्किन जो टैनी हो गई है उसे रिमूव करने में ये रेमेडी बहुत हेल्पफुल है। इस रेमेडी की मदद से आप अपनी बच्चों की स्किन पे से जो भी पिगमेंटेशन या सन टैन हो गया है उसे रिमूव कर सकते हैं। स्किन के ऊपर जो भी चिपचिपापन आ गया है या एक्ने पिंपल्स बच्चों को हो गए हैं, चाहे उनकी एज 18 साल है या 20 साल है, उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बच्चा 12 साल का है या 13 साल का है या फिर आपके बच्चे की उम्र 5 या 10 साल है, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी से आपके बच्चे की स्किन पहले से ज़्यादा निखर जाएगी, तरोताज़ा हो जाएगी। और इस रेमेडी के अंदर आपको कुछ भी बाहर से परचेज नहीं करना है, सबके सब आपके किचन में चीज़ें अवेलेबल होंगी, उनको लेकर आना है और उसी से हमने एक रेमेडी को बहुत अच्छे से रेडी करना है, बच्चों की स्किन पे अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। एंड दैट्स इट। वन थिंग मोर गाइज, जब बच्चे खुद इसको यूज़ करेंगे ना तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि विंकल ने भी जब इसको यूज़ किया था बहुत इंजॉय किया था। आपको जस्ट बना के अपने बच्चों को पकड़ा देनी है ये रेमेडी और वो खुद ही करते रहेंगे सर्कुलर मोशन में मसाज। उनकी फेस की स्किन मसाज भी हो जाएगी, स्किन पहले से ज़्यादा यू नो टैन फ्री हो जाएगी, स्किन का जो यू नो चिपचिपाहट है, एक्ने पिंपल है, वो भी दूर हो जाएंगे। बच्चे अगर बड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, तब उनको रेमेडी पकड़ा दीजिए हाथ में उनके, वो करते रहेंगे सर्कुलर मोशन में मसाज अपनी, है ना। अभी आप सोच रहेंगे ओके इस मसाज करने के चक्कर में है ना वो बहुत मैस ना फिला दें या कुछ, उनके यू नो जब आप उनको बिठाते हैं तो उनके लेग्स पे कुछ कपड़ा वपड़ा सा बिछा दीजिएगा और उनको करने दीजिएगा जो कर रहे हैं, उससे उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं रेमेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसूर की दाल लेनी है और आपने मसूर की दाल को 3 से 4 घंटे के लिए दूध में भिगो के रखना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने इस पेस्ट के अंदर 1 चम्मच आपने बेसन का डालना है। बेसन में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन को वाइट बनाने में, हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है, टैन को रिमूव करता है। चुटकी भर हल्दी डालेंगे। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो हमारी बच्चों की स्किन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। अगर स्किन पे रैशेज़ हैं या दाने हो गए हैं या फिर बच्चों की स्किन बहुत जल्दी रेड हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, उससे भी उनकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है और ब्लैकनेस को निकालने में भी हल्दी बहुत हेल्प करती है। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे दही। दही स्किन को सॉफ्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है, स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइज़र भरती है। तो दही से आपने इसका पेस्ट थोड़ा सा पतला रखना है ताकि स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। स्किन में जब हम इसकी मसाज करें तो स्किन अगर किसी की सेंसिटिव भी है तो उसको भी कोई इशू ना हो। अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप उसमें हल्दी स्किप कर सकते हैं, हल्दी उसमें मत डालिएगा। दोस्तों इसको आपने अपने बच्चों की स्किन पर अच्छे से अप्लाई करना है। इसे कोई भी स्किन टोन पर्सन जो है वो यूज़ कर सकता है। अगर आपके बच्चे की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसमें हल्दी मत डालिएगा। अगर आपके बच्चे की स्किन नॉर्मल है, ऑयली है या ड्राई है तो आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों आपने इस पेस्ट को अपने बच्चों के फेस पर अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। अगर हो सके तो 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो उसके बाद चेहरे को, बॉडी को वॉश कीजिए, देखिएगा स्किन टोन में कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो लगा के नहीं रख सकते हैं, तो जब आप अपने बच्चों को नहला रहे हों तब आप उनकी बॉडी पे इसका यूज़ कर सकते हैं। नहलाने से कुछ मिनट पहले उनके चेहरे पर इसे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, मसाज कर दीजिए और फिर उनको नहला दीजिए। स्किन टोन में आपको बहुत अच्छा एक मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्किन काफ़ी ज़्यादा पहले से सॉफ्ट, क्लीन एंड हाइड्रेट हो जाएगी। स्किन का जो टैन है वो बड़े अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और हफ्ते में 2 से 3 बार इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आपको एक नेचुरली तरीके से अपने बच्चों की स्किन में वाइटनिंग जो इफेक्ट है वो नज़र आएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट बार में मुझे लिख सकते हैं। सो ममाज, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। देखा वीडियो, मतलब ये रेमेडी और ये बहुत बढ़िया तरीका है बच्चों को टैन फ्री करने का, उनकी स्किन को पहले से ज़्यादा तरोताज़ा एंड बढ़िया सा बनाने का। तो दोस्तों इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को नेचुरल चीज़ों से ही उनकी स्किन का हेयर केयर कीजिए ताकि उनको बाहर की चीज़ों से वो दूर रहें, केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहें, नेचुरल चीज़ों से ही अपनी स्किन को गोरा चिटा बनाएं। तो मिलूंगी अब नई वीडियो में। गाइज, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। वेबसाइट पे जाके मेरे ढेर सारे ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।